शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय को उन्नयन कर सीएम राइस स्कूल बनाने के बाद से ही लगातार अलग अलग संगठनों के द्वारा स्कूल के खेल मैदान पर सीएम राइस भवन बनाने की शुरुआत से ही आवेदन निवेदन एवं आंदोलनों का दौर शुरू हो गया था। वही किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने सोमवार को स्थानीय कंदेली नदी के पुल पर चक्का जाम करने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन सोमवार चक्का जाम के पूर्व ही एसडीएम अनिल जैन एवं तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम के द्वारा कांग्रेस नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम राइस स्कूल के भवन को खेल मैदान नहीं बनाए जाने की बात कही गई। साथ ही अधिकारियों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि 10 दिनों में पुनः सीएम राइस स्कूल का नक्शा सुधार होकर आएगा, जिसके बाद पुनः सभी से बैठकर चर्चा की जाएगी। जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अधिकारियों से कहा कि यदि 10 दिनों में नक्शा सुधार होकर नहीं आया तो हमारे द्वारा पुनः आंदोलन किया जाएगा। आज आपके आश्वासन पर चक्का जाम स्थगित किया जा रहा है। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव कमल सिंह रघुवंशी ने बताया कि हमने चक्का जाम की पूरी तैयारियां कर ली थी, परंतु अधिकारियों के द्वारा फोन के माध्यम से संपर्क किया गया और बताया कि नक्शे का सुधार होकर आएगा, तब तक किसी तरह का निर्माण कार्य मैदान पर नहीं किया जाएगा। वही किसी भी तरह का मटेरियल भी खेल ग्राउंड पर नहीं डाला जाएगा, जिसके चलते हमारे द्वारा आंदोलन 10 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। यदि इसके बाद भी सुधार कार्य नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा पुनः आंदोलन किया जाएगा। आज अधिकारियों से किस तरह की चर्चा हुई, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हमारा उग्र आंदोलन था, कंदेली पुल पे हमारा चक्का जाम था। 1 बजे से सारे शासन प्रशासन ने हमको बार बार, हमारे नेताओं को, हमारे साथियों को, हमको बुलाया तहसील कार्यालय और बुलाकर ये कहा गया कि हमें 10 दिन का समय चाहिए। नया नक्शा कलेक्टर साहब ने शासन को भेजा है और वो 10 दिन में बन के आ जाएगा। नए नक्शे में ग्राउंड जो सीएम राइस बिल्डिंग में जो ग्राउंड आ रहा था वो नया नक्शे में नहीं आएगा। तो हमने उनकी बात को विश्वास करते हुए, हमारे सारे साथियों के साथ हमने उनकी बात में विश्वास किया। दूसरी शर्त हमने अधिकारियों के साथ रखी कि हमारे ग्राउंड में जो लाइनिंग हुई है, जो बार बार गड्ढे हुए हैं, जो माल पटकारा है, 10 दिन हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन 10 दिन में वहां ना तो माल पटकाएगा, ना ही वह गड्ढे होंगे, ना लाइनिंग होगी। इसका आप सबके सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने और सारे प्रेस के सामने उन्होंने कहा है कि वहां 10 दिन ना तो गड्ढे होंगे, ना ही कोई माल पटकाएगा और ना ही लाइनिंग होगी। तो हमने आज हमारा आंदोलन जो कंदेली के पुल पे चक्का जाम था 1 बजे से, वो हमने कैंसिल कर दिया है और आंदोलन स्थगित किया है। अगर 10 दिन के बाद भी उन्होंने कहा आपके सबके सामने कि 12 तारीख को फिर यही हमारे सब साथियों के साथ और आप सबके साथ बैठक होगी, जब तक नया नक्शा आ जाएगा उसमें अगर हमारा ग्राउंड बच जाएगा तो हम हर हमेशा के लिए हमारा आंदोलन स्थगित नहीं, खत्म कर देंगे 12 तारीख को। जिले से भी कोई आश्वासन मिला आपको फोन के द्वारा? नहीं, मुझे तहसीलदार और एसडीओ के माध्यम से मिला है कि कलेक्टर साहब सक्रिय हैं और उन्होंने हमें अधिकृत किया गया है कि आप कमल रघुवंशी और उनके साथियों से बात करें और इस आंदोलन को स्थगित कराएं, खत्म ना कराएं। हमने 10 दिन में नक्शा भेजा है, 10 दिन में बन के आ जाएगा, ये कलेक्टर का, कलेक्टर साहब का संदेश हमें तहसीलदार मोरे निगम साहब ने दिया है। मुकेश जी आ जाओ। देखिए, जो कि अभी आपको ज्ञात होगा कि जो स्कूल में खेल ग्राउंड को लेकर एक आंदोलन का विचार सभी साथियों ने, कमल भैया जी, सभी लोगों ने किया था कि यह आंदोलन ग्राउंड में किया जाए, क्योंकि एक स्कूल ग्राउंड है, कहीं ना कहीं वो जगह खराब हो रही थी उस बिल्डिंग के आने से। तो आज तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के बीच हम सभी साथियों ने जब चर्चा करी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर जो नक्शा पुराना था उसको चेंज करके और ग्राउंड बचाकर नया नक्शा बनाया जाएगा, 10 दिन में नया मिल जाएगा। भैया आप आइए, क्या चर्चा हुई अधिकारियों से? अधिकारियों से आज जो बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की और शहर के बाकी लोगों से, सबसे जो ज्वलंत मुद्दा था ग्राउंड का, खेल ग्राउंड जो हाई स्कूल में है, शहर का एकमात्र इकलौता ग्राउंड है जहाँ की बड़े आयोजन या बड़े खेल वगैरह होते हैं। तो जब ये पता लगा कि खेल ग्राउंड के ऊपर जो नया भवन स्वीकृत हुआ है स्कूल का, वो उसमें वो जगह खेल ग्राउंड की जा रही है, तो
तो उससे शहर की जनता भी आंदोलित हुई और उन लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता उससे संपर्क किया और उसके उसको लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ। और जब अधिकारियों को इस बात का पता लगा कि आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने आज यहाँ SDM और तहसीलदार निगम जी ने यहाँ बुलाकर संबंधित सारे लोगों को यहाँ बुलाकर बात की और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो स्कूल का जो नया नक्शा है वो संशोधित किया जा रहा है और कलेक्टर साहब ने प्रशासन को वो नक्शा भेजा है संशोधन करने के लिए, तो आने वाले समय में 10-12 रोज में वो नक्शा संशोधित हो जाएगा। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि तब तक खेल ग्राउंड में ना तो कोई सामग्री बनाई पटकी जाएगी ना ही खेल ग्राउंड में कोई बिल्डिंग से संबंधित कोई काम किया जाएगा। और लगभग उन्होंने आश्वस्त किया है कि उस ग्राउंड को बचाया जाएगा क्योंकि शहर का इकलौता ग्राउंड है और पूरे शहर के लोग और नए जो बच्चे हमारे खेलते हैं वो सब उस बात को लेकर पूरे शहर में आंदोलित थे लोग और इस शहर के लिए वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। तो आज इस तरह की बात होने के बाद में ये आंदोलन को उस समय तक के लिए स्थगित किया गया। अधिकारियों से आज जो शहर में विगत दिनों से जो एक भ्रम की स्थिति थी कि इसको खेल मैदान को जो समाप्त किया जा रहा है CM राइस बिल्डिंग बनाने के तौर पर, उस पर ये बात हुई है कि जो ग्राउंड खराब हो रहा था उसमें जो हम आंदोलन करने जा रहे थे तो उसे अभी 10 दिन स्थगित किया गया है, चूंकि हमें आश्वस्त किया गया है कि नया नक्शा आएगा जिससे मैदान भी सुरक्षित होगा और CM राइस बिल्डिंग भी सुरक्षित बनेगी। और 12 तारीख को इस मामले में 10 दिन बाद पुनः एक बार बैठेंगे नए नक्शे के साथ।